कंपनियां स्वच्छ भारत अभियान के हमारे इस मॉडल से सीखना चाहती, उसको अपनाना चाहती। कुछ दिन पहले ही अमेरिका में जब भारत को ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया तो भारत की कामयाबी से पूरा विश्व परिचित हुआ। मैंने संयुक्त राष्ट्र में भी ये कहा था कि भारत अपने अनुभवों को दूसरे देशों से साझा करने के लिए हमेशा तैयार है। आज नाइजीरिया, इंडोनेशिया और माली सरकार के प्रतिनिधि हमारे बीच में हैं। भारत को आपके साथ स्वच्छता के लिए, सैनिटेशन के लिए सहयोग करते हुए बहुत खुशी होगी। साथियों, महात्मा गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वावलंबन के विचारों से देश को रास्ता दिखाया था। आज हम उसी रास्ते पर चलकर स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध और सशक्त न्यू इंडिया के निर्माण में लगे हैं। पूज्य बापू स्वच्छता को सर्वोपरि मानते थे। सच्चे साधक के तौर पर देश का ग्रामीण क्षेत्र आज उन्हें स्वच्छ भारत की कार्यांजलि दे रहा है। गांधी जी शहद को सच्चा धन मानते थे और चाहते थे कि देश का हर नागरिक स्वस्थ हो। हम योग दिवस, आयुष्मान भारत, फिट इंडिया मूवमेंट के जरिए इस विचार को देश के व्यवहार में लाने का प्रयास कर रहे हैं। गांधी जी वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते थे। अब भारत अपनी नई योजनाओं और पर्यावरण के लिए प्रतिबद्धता के माध्यम से दुनिया को कई चुनौतियों से लड़ने में मदद कर रहा है। बापू का सपना आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास से भरे भारत का था। आज हम मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया से इन सपनों को साकार करने में लगे। गांधी जी का संकल्प था एक ऐसा भारत जहां हर गांव स्वावलंबी हो। हम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज माध्यम से इस संकल्प को सिद्धि की तरफ ले जा रहे हैं। गांधी जी समाज में खड़े आखिरी व्यक्ति के लिए हर फैसला लेने की बात करते हैं। हमने आज उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना, सौभाग्य योजना, स्वच्छ भारत जैसी योजना, इन सब से उनके इस मंत्र को व्यवस्था का हिस्सा बना दिया है। पूज्य बापू को उन्होंने तकनीक का इस्तेमाल करते हुए लोगों के जीवन को आसान बनाने की बात की थी। हम आधार, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डिजिटल इंडिया, भीम ऐप, डिजी लॉकर के जरिए देशवासियों का जीवन आसान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, महात्मा गांधी कहा करते थे कि वो भारत का उत्थान इसलिए चाहते हैं ताकि सारी दुनिया उसका लाभ उठा सके। गांधी जी का स्पष्ट मत था कि राष्ट्रवादी हुए बिना अंतर्राष्ट्रीयवादी नहीं हुआ जा सकता। यानी हमें पहली अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढना होगा, तब जाकर हम पूरे विश्व को मदद कर सकते हैं। इसी राष्ट्रवाद की भावना को लेकर आज भारत आगे बढ़ रहा है। बापू के सपनों का भारत नया भारत बन रहा है। बापू के सपनों का भारत जो स्वच्छ होगा, पर्यावरण सुरक्षित होगा। बापू के सपनों का भारत जहां हर व्यक्ति स्वस्थ होगा, फिट होगा। बापू के सपनों का भारत जहां हर माँ
बापू के सपनों का भारत जो भेदभाव से मुक्त सद्भाव युक्त होगा, बापू के सपनों का भारत जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इस आदर्श पर चलेगा। बापू के राष्ट्रवाद के ये तमाम तत्व पूरी दुनिया के लिए आदर्श सिद्ध होंगे, प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। आइए राष्ट्रपिता के मूल्यों को प्रतिस्थापित करने के लिए, मानवता के भले के लिए हर भारतवासी राष्ट्रवाद के हर संकल्प को सिद्ध करने का संकल्प लें। मैं आज देश से एक व्यक्ति एक संकल्प, एक व्यक्ति एक संकल्प इसका आग्रह करता हूं। देश के लिए कोई भी संकल्प लीजिए जो देश के काम आने वाला संकल्प, देश की समाज की गरीब की भलाई करने वाला संकल्प हो, आपसे मेरा आग्रह है एक संकल्प जरूर लीजिए और अपने कर्तव्यों के बारे में सोचिए, राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों के बारे में सोचिए। कर्तव्य पथ पर चलते हुए 130 करोड़ प्रयास, 130 करोड़ संकल्पों की ताकत देश में कितना कुछ कर सकती है। आज से शुरू करके अगले एक साल तक हमें निरंतर इस दिशा में काम करना है। एक साल काम किया तो फिर यदि यही हमारे जीवन की दिशा बन जाएगी, यही हमारी जीवन शैली बन जाएगी, यही एक कृतज्ञ राष्ट्र की बापू को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी आग्रह और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार और भी कहना चाहता हूं, ये जो सफलता मिली है ये किसी सरकार की सफलता नहीं है, ये जो सफलता मिली है वो किसी प्रधानमंत्री की सफलता नहीं है, ये जो सफलता मिली है वो किसी मुख्यमंत्री की सफलता नहीं है, ये जो सफलता मिली है वो 130 करोड़ नागरिकों के प्रोत्साहन के कारण मिली। समाज के वरिष्ठ लोगों ने समय समय पर नेतृत्व किया, मार्गदर्शन किया, उसके कारण मिली है। और मैंने देखा है 5 साल लगातार सभी मीडिया हाउस ने इस बात को लगातार आगे बढ़ाया, पॉजिटिव मदद की, देश में वातावरण बनाने में मीडिया ने अहम भूमिका निभाई। आज मैं उन सब का, जिन जिन लोगों ने इस काम को किया है, 130 करोड़ देशवासियों को आदर पूर्वक नमन करता हूँ। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरे साथ आप सब बोलेंगे, मैं कहूँगा महात्मा गांधी, आप सब दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे अमर रहे अमर रहे। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। एक बार फिर संपूर्ण राष्ट्र को एक बहुत बड़े संकल्प की सिद्धि के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय।